The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. To aaj hum hain hospital mein aur aise hota hai hamara अस्पताली रूप जैसा आपने पहले देखा इधर से इधर और फिर इसके ऊपर होता है हमारा ये ऐसे। तो ये तो हुआ वन पार्ट ऑफ इट। इसके ऊपर ऐसा कपड़ा भी होता है और कभी कभी पूरी की पूरी पीपी किट होती है। सो दैट इज अ पार्ट, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सो पेशेंट को भी ऐसे ही देखना होता है, या तो पूरा पीपी किट या तो पूरा ये। एनीवेज, टुडेज टॉपिक इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको या आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन है, राइट? सो कैसे पता चलेगा आपको? ये दो चीजें जो है काफी सिमिलर हो सकती हैं, काफी सिमिलर सिम्टम्स पैदा कर सकती हैं। कई बार हमको लगता है कि सिर्फ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कई बार लगता है कि यार ये तो कुछ और भी गड़बड़ है इसमें। सो इसके बारे में सबसे ज्यादा डाउट में पड़ जाते हैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यंग लोगों को, क्योंकि कई बार उनका अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनका क्या होता है, फिर उनका डाउट होते हैं कि सर कहीं मेरे को एड्स तो नहीं हो गया, कहीं मेरे को हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया, कहीं मेरे को एचआईवी, कहीं कुछ और, कहीं क्लैमाइडिया, गोनोरिया और फलाना ढमकाना और एड्स की कोई ऐसी खतरनाक वर्जन कुछ तो नहीं हो गया मुझे, जो प्लीज़ बता दो, मुझे बचा लो, और फिर उनके सवाल ही ख़त्म नहीं होते, राइट? सो थोड़ा समझते हैं ये क्या कॉन्सेप्ट है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपको पता है ये आपके यूरिन में, पेशाब के रास्ते में हो रहा है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इज फ्रॉम द यूरेथ्रा, मतलब जो बाहर आपका यूरिन निकलता है, से लेके किडनी तक, ऊपर किडनी तक पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है। उनमें से कहीं पर भी आपका यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर और किडनी, ये मैंने किडनी वाले सेक्शन में समझाया था। सो वहाँ पर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो वो होता है, इट माइट बी अ बैक्टीरियल, ज़्यादा चांसेस हैं यूटीआई होगा तो बैक्टीरियल होगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया है। तो ये यूरिन के अंदर अगर स्टोन हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लैडर स्टोन के वजह से, या ब्लैडर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर पाथवे के अंदर, या फिर अगर मान लो ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो कई बार उसे अलग चीज बोल सकते हैं, सिस्टाइटिस, कई बार प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस, और ये किडनी के अंदर हो तो नेफ्राइटिस, या किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे कॉमन बैक्टीरिया इसमें होता है ई कोलाई, इस्चिरिशिया कोलाई, 90% केसेस में यूटीआई में यही इन्वॉल्व होता है। और ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है कई बार यूरेथर फीमेल्स में अगर हो रहा है तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर उनका जो बाहर का एग्जिट है, जो यूरेटर है, वो एनस के काफ़ी पास है। मेल्स में पीनस होने के वजह से वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो उनका इस तरीके से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम हो जाता है। फीमेल्स के लिए हाइजीन बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसलिए उनको बाहर यूरिन करने में इशू ज़्यादा होता है और उनको उनका प्रिकॉशंस भी ज़्यादा लेने होते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं कि पीछे से आगे साफ कभी नहीं करना, आगे से पीछे साफ करना है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वाइप करेंगे इस तरह आगे से पीछे, फ्रंट बैक टू फ्रंट, तो आपको, क्योंकि एनस से लेके आप फिर यूरेटर में घुसा दोगे कोई ना कोई बैक्टीरिया और वहाँ पर हो जाएगा इन्फेक्शन। सेकेंड, आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको यूरिन ज़रूर करना है। थर्ड, अगर आपको अर्ज हो रही है बहुत ज़्यादा यूरिन करने की तो करना है, यूरिन रोक के नहीं रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और डायफ्राम होते हैं बर्थ कंट्रोल के, उससे भी रिस्क हो सकता है अगर वहीं छोड़ दिया आपने, निकाला नहीं, उसमें कई बार होता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक एक ही जगह बैठे हैं तो भी दिक्कत होती है, या फिर अंडरवेयर्स कई बार अगर हम ऐसे पहन ले जो जिसमें कोई जो सोकिंग नहीं है, अगर वो मॉइस्चर को सोक नहीं कर रही है, वहाँ पे मॉइस्चर जमा हो रहा है, बैक्टीरियल ट्रैप हो जाएगी फिर उस मॉइस्चर में, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और प्रॉपर रेगुलर बाथ लेना ज़रूरी है, टाइट फिटिंग क्लोथ्स अवॉइड करें, और कोई भी
फेमिनाइन स्प्रे डाउचिंग थिंग्स अवॉइड करें, वो इन्फेक्शन जैसी कोई स्मेल वाली फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें वहाँ या ऐसे ना यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर। एसटीडी क्या होता है? एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो है ओरल सेक्स, वेजाइनल सेक्स या एनल सेक्स या इंट्राविनस ड्रग्स लेने से, या फिर कई बार नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जैसे कि मदर से चाइल्ड को चाइल्ड बर्थ के टाइम या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी हो सकता है। सो ये उस तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो अगर किसी को हमें हेपेटाइटिस बी पाया जाता है, सी पाया जाता है, तो कई बार हमें देखना पड़ता है कि मैं मदर को नहीं है, तुम्हारी मदर को तो नहीं है, तो देखो। सो दीज आर दी थिंग्स विच इज देयर। कायदे से बाकायदा, हमारे इंडिया में तो कुछ भी होता है, बा इन द यूएस, यूएस में जितने भी एडल्ट लोग हैं उनका हर 2 साल में एक बार, या जो यंग है उनका साल में 2 बार रेगुलर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का टेस्ट होना होता है, वो होना भी चाहिए। सो अगर आप सोचे कि आपको एसटीडी तो नहीं हो गई, एसटीडी के लिए जो आपको मतलब जो रिस्क फैक्टर है, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है ऐसे लोगों से, ऐसे पर्सन से जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका हो, समथिंग लाइक अ सेक्स वर्कर और समबडी हु हैज मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है। ऐसी कौन सी बीमारी है ऐसी? बेसिकली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, लेकिन एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हर्पीज वायरस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैल सकते हैं। दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे ही कई बार कुछ टाइप के, अगर आपके मान लीजिए आप शीट्स या टॉवल या क्लोथिंग शेयर कर रहे हैं और वो 1 घंटे के अंदर किसी के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 1 घंटे के अंदर शेयर हुई है, या किसी की बॉडी फ्लूइड जिसमें के उस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का बैक्टीरिया है या पैरासाइट है, जैसे ट्राइकोमोनासिस वाली ऐसी चीज है जो इस टॉवल से या शीट से भी स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, राइट? और नीडल से तो भाई ब्लड टू ब्लड आपके कई सारे एचआईवी का वायरस, वायरसेस फैल सकते हैं, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ऐसे वायरसेस फैल सकते हैं। सो याद रखो, इन सारे चीज़ों को हम कह सकते हैं सेक्सुअली, एनल सेक्स, ओरल सेक्स, इनसे भी फैलता है, और ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट में आ जाए तो फैलता है। आइडियली किसिंग से नहीं फैलना चाहिए, मगर चांस है। क्यों? क्योंकि उनका सलाइवा अगर आपके सलाब के अंदर जाता है और आपके आपको कट है कहीं पर, दैट सलाइवा इफ दैट हैज सम वायरस इट कैन गो इनसाइड थ्रू दैट कट इन टू योर सिस्टम। सो ये रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स। सेम वे अगर इमीजिएटली किसी का झूठा खाना खाते हैं और वो पर्सन इस तरह के कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो भी उसमें एक माइनर रिस्क रहेगा। नाउ दीज आर वेरी माइनर रिस्क, दीज आर नॉट द मेजर मेजर ट्रांसमिटेबल, वो नहीं है। कोई भी डिजीज होती है उसके मेजर वाला होता है कि इससे सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होगा, उससे माइनर होगा। इवन एनल सेक्स से क्यों होता है? बिकॉज एनल सेक्स में वहाँ लुब्रिकेंट नहीं होता, तो वहाँ पे घर्षण, वहाँ पे फ्रिक्शन, वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। फ्रिक्शन से ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि एक बार कभी गलती से कोई हो गया तो आपको हो ही जाएगा, नहीं। कई लोगों का मैसेज और फोन आता है कि सर एक बार ये हो गया था, क्या मैं ये हो जाएगा? सर क्या वो हो जाएगा? मैंने एक बार दो बार टेस्ट करा लिया, मेरा नेगेटिव है, क्या मुझे एचआईवी है? क्या मुझे एचआईवी है? भैया तुम इतना टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होता है, रिलैक्स करो, ठीक है? जरूरी नहीं है, बट देन बीमारी के बारे में समझो, डॉक्टर ही हम करने दो, दैट इज देयर। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन दोनों के अंदर कई बार सिम्टम्स सेम होते हैं, यानी कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसा फीलिंग होगा, कई बार यूरिन में जलन होगा, लेकिन यानी डिस्यूरिया, पेनफुल बर्निंग यूरिनेशन, या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, अर्ज बढ़ जाना, फाउल स्मेलिंग आना, गंदी बदबू आनी, क्लाउडी या डार्क कलर की यूरिन आना, पेल्विक पेन होना नीचे के साइड में, या अनयूजुअल डिस्चार्ज होना, व्हाइट कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, या ब्लड
डिस्चार्ज होना ऐसे होते हैं, तो एसटीडी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दोनों के टेस्ट होने चाहिए, यूरिन का भी कल्चर होना चाहिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सब जरूरी होता है इसमें। सो दीज आर द बेसिक्स। याद रखिए कुछ प्रकार के एसटीडीज भी हैं, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हैं जो एसिम्टोमेटिक रह सकते हैं, दे माइट बी हैविंग नो सिम्टम्स एट ऑल, राइट। सो ऐसे केसेस में आपको आगे चल के प्रॉब्लम निकल के आती है, उसमें टेंशन ना लें। एसटीडी ज्यादा हो और तो क्या होगा, तो रैश आएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यह रैश नहीं होता, ब्लिस्टर नहीं होते, रैश ब्लिस्टर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स फीवर नौशिया वॉमिटिंग ऐसा साथ में होगा, लेकिन रैश या ब्लीडिंग, अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है जो पेनिस से हो रही है, यूरेथ्रा से हो रही है, या कोई अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, दैट कैन बी देयर, और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स कैन बी देयर बिकॉज ऑफ दिस। सो ऐसा कुछ हो रहा है तो अपन हम जाके यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, यूरोलॉजिस्ट से बात करके अपने टेस्ट करवाओ। फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकती हैं और दे कैन गेट देयर टेस्ट। सो ऑलवेज फॉलो सेफ सेफ सेक्स, अपने पार्टनर्स की सेक्सुअल हिस्ट्री निकाल के रखो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखो, और भाई साहब जितना हो सके अपना हाइजीन मेंटेन करो। दिस इज इट, एसटीडीज के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो और यूटीआई के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो नीचे लिखिए, वील ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू।